एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे मक्की की रोटी बनाना, जो कि सर्दियों में हर घर में बनती है। और अगर वो आलू के पराठे की तरह सॉफ्ट बनके तैयार हो तो क्या कहने। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी हम तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि एक गाजर को हम कद्दूकस करके रख लेते हैं और थोड़ी सी मेथी को हम ऐसे इस तरीके से छोटा छोटा कट करके रख देते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, एक कढ़ाई में हमें एक कप पानी लेना है। ऐसा कोई आप कप या कटोरी का नाप ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, जो कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक डालने के बाद अब इसमें हम आधा कप गाजर डालेंगे। आधा कप ही हमने जो इसमें मेथी डाल के रखी हुई थी वो भी डाल सकते हैं। ये सब्जियाँ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जिस कप से हमने पानी मापा था उसी कप से हम एक कप इसके अंदर मक्के का आटा डालेंगे। ये देखिए, मक्के का आटा डालने के बाद वो 2 मिनट में अपने आप ही सूख जाएगा और इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। जब वो ऐसा सूख जाए और ऐसा अगर बाइंड होने लग जाए, और उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब आटा थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको इस तरीके से निकालेंगे आटे को, और हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम लोग गूंदेंगे, ताकि गूंदने के बाद जो भी इसमें गांठे हों वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा आटा, और बिल्कुल आपको गेहूं के आटे की तरह दिखेगा। आप अगर उसे हाथ लगा के देखेंगे तो गेहूं के आटे में और मक्की के आटे में कोई फ़र्क नहीं होगा। उसके बाद अब चलिए अब तैयारी करते हैं इसको हम बेलने की। बेलने के सबसे पहले हमने चकले पे थोड़ा सूखा आटा डाल दिया है। सूखा आटा डालने के बाद एक पेड़ा लिया हमने मक्की के आटे का, और देखिए हम इसको कितने आराम से बेल पा रहे हैं। जैसे कि हम कोई प्लेन गेहूं की रोटी बेलते हैं वैसा ही लग रहा है। तो आप एक बार इस तरीके से मक्की की रोटी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए अब रोटी मेरी पूरी तरह बेल चुकी है। उसके बाद मैंने इसे तवे पे डाल दिया है और इसको अब हम लोग दोनों तरफ से घी लगाते हुए सेक लेंगे। ये देखिए रोटी मेरी सिक गई है, और देखिए फूल भी गई है। फूली फूली रोटी बनती है और खाने में भी इतनी टेस्टी होती है कि बार बार बनाने का मन करता है। और इसके साथ आपको कुछ भी सब्जी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको दही के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ ऐसे भी सर्व करके दे सकते हैं। ये देखिए आप इसको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में भी पैक करके भी लेके जा सकते हैं, या अगर आपका बच्चा लाइक करता है तो आप इसको स्कूल में टिफिन में भी दे सकते हैं। और देखिए मैंने इसके लिए चाय भी तैयार कर ली है, जो कि सर्दियों में चाय के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है। साथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा अचार, क्योंकि आज दही घर में नहीं था तो मैंने इसलिए थोड़ा सा अचार डाल लिया है। और देखिए मेरी पराठी अचार कितना टेस्टी लग रहा है, आप खुद भी खाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर, ये बहुत सॉफ्ट क्रंची बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। And thank you so much for watching. Bye-bye.